मैं लगता हमने फिर जाली तोड़ दी ठीक है, और अब निकल गए वो गांव के लिए क्योंकि उन्होंने टैक्स ला जाने आप ही की तरफ आई। और ये देखा जाए हमारा ही ब्लॉग देख रहे हैं बैठ के, हमारा ही ये अभी ब्लॉग अपलोड हुआ है, बैठा देखा जा रहा है। हमने अपने बच्ची को माशाल्लाह से स्लाइस की जूस भी पिला दी, वो भी एक नहीं से दो दो पिए ठीक है। अच्छा नाश्ते में खूबी वाले पराठे एक और दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, भलो खुश है बात हो ठीक ठाक हो, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुनिए जी, आप सारे ठीक ठाक है घर में, अम्मा अब्बा बहन भाई ठीक है, दोस्त और बाप सब ठीक ठाक है हम लोगों के, बिकॉज भाई अब आप मेरी सो कॉल्ड फैमिली ही हो ठीक है, इसलिए तो हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं ठीक है, इसलिए तो आपको रोज बार रोज के क्लिप्स दिखाते हैं, यू नो यू आर माई फैमिली राइट नाउ ठीक है। तो मैंने कहा आपका भी हाल चाल पूछ लीजिए, बाकी सीन ऐसे हैं कि अभी आपका भाई सोच हो क्यों ठीक है अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर बैंक जाना है, बैंक जाके फिर देखते हैं क्या सीन हो पार्ट बनना है, क्योंकि कल आपके भाई ने वास्ते का चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया प्रैंक वाला, वो कहते हैं जी मेरे साथ कोई ऐसा प्रैंक करोगे जिसमें मुझे पता ना चले ठीक है, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, वो देखेंगे इंशाअल्लाह, या तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं इसी व्लॉग के अंदर अगर प्रैंक कर सकता हुआ ठीक है तो मैं करूँगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं एक से दो दिन में प्रैंक कर लूँगा। और हाँ, मुझे कुछ मेरी गलतियाँ मुझे पता चल गई कि जो मेरा पिछला वाला प्रैंक था ना उसमें मैंने आपको बताया नहीं था कि मैंने उसके साथ करना किया ठीक है, तो कुछ लोगों को नहीं समझ आया कि भजन प्रैंक में करना क्या था, तो माशाल्लाह अब मैं जो भी प्रैंक करूँगा ना उस पर मैं आपको पहले चीज़ क्लियर करूँगा कि मैंने उसके साथ करना क्या, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, कभी मैंने प्रैंक किए नहीं थे तो मुझे नहीं पता था कि मुझे आपको बताना पड़ता है या नहीं पड़ता था, तो मेरी छोटी सी मिस्टेक थी, आई अपोलोजाइज ठीक है। तो बाकी ये है कि अभी बस नाश्ता करते हैं, नाश्ते में भजन खाने हैं गोभी के पराठे, वो आपके भाई के पसंदीदा पराठे, अभी बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर निकलते हैं बैंक, बैंक से आके फिर देखते हैं क्या सीन पहाड़ बनता है, जो भी बनता है आपको बताते हैं, जो नहीं भी बनता वो भी आपको बताते हैं ठीक है, मैं बताना तो आपको हर हाल में ही है। तो बाकी भैया चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर लो ना जरा, वरना मैंने खला ढला भेज दिया ना ठीक है, तो चुन चुन के उठाऊंगा मैं, चुन चुन के ठीक है यार। चलो जी नाश्ता करके आपसे मिलते हैं भैया, नाश्ते में खूबी वाले पराठे एक और दो, तीसरी नाश्ता करके मिलते हैं वापस। तो जी बैंक चेक से हो गया लेकिन दूसरा सर है, और एक सीन हो गया पापा की कॉल आई है दुकान में, लोग क्योंकि मलिक साहब की फोदी होती है ठीक है, इसके लिए तो उनको तो जाना पड़ेगा, चला गए पापा जी की मदद करते हैं मलिक साहब की, ये पापा जी का खाना लिए खाना लेके जाते हैं और जाते हैं मलिक साहब की सब मदद करते हैं, नबी जनाजे में भी जाने हैं, पापा जी गर्मी बड़ी है से ज़्यादा गर्मी, हाँ लेकिन अभी चांसेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आज से बारिशें शुरू होंगी रात से 26 की रात से, बाकी मौसम ठीक की है, अभी चलते हैं मतलब सबके साथ मदद शादत करते हैं, मदद करके देखते हैं क्या सीनों पार्ट है, गर्मी बहुत है, मुझे गर्मी से बड़ी एनर्जी है, हीट स्ट्रोक हो जाता है मुझे, तो क्या करिए ज़िंदगी तो गुजारनी है। मैं लगता हमने फिर जाली तोड़ दी ठीक है, और अब निकल गए वो गांव के लिए क्योंकि उन्होंने टैक्स ला जाने, टैक्स ला कह रहा हूँ क्या नाम है, चला गन निकल गया भाई, तो करें मैं जब रमज़ान में जाली टूटी थी ना तो मैंने जाके वो ले आया था, मैं अल्लाह भला के लिए दो जने लेकर आया था, मुझे पिंडी को नहीं जाना पड़ेगा, ये कि दुकान ही पड़ी हुई जाली, इसको बस लगाते हैं
और आपको दिखाती हूँ। इसको पहले खोल खोले, हाँ खोलना भी एक अजाब है। सारे अजाब जो है अजाब ही अजाब है। और ये जितना भी आटा अभी तक बना है ये सारा मोटा बन गया, ठीक है, सारा का सारा आटा मोटा बन गया। और लस्सी क्या होता है या क्या नहीं होता, चल जा खोल जा भाई। देखने में जितना आसान है ना ये उतना ही ये मुश्किल है। आप ये ना सोचें बहुत आसान काम है, ये तो सिर्फ नट खोलना, ये नट खोलना ही तो मनकारी है। इतने टाइट बंद होते हैं, ठीक है, और ये आटा लग लग के ना ये अंदर से जामो जाम हो जाती है। लेकिन इतना आटे इनके लग चुका होता है ये जाम हो जाते हैं। इनकी जामों को खोलना बड़ा औखा काम है। ये अभी ये नहीं निकल रहा, इसको जी राजी मैं खोल के मिलता हूँ आपसे। बलन तो चले अच्छा, वैसे ये है ना ये मोटा आटे दानेदार है थोड़ा बहुत, ये मलक साहब को नजर में आता लेकिन हमें पता चल जाता है। और देखते हैं कि आज हमारा प्रैंक वाला सीन पूरा हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो आज हम जरूर करेंगे, ठीक है। हम प्रैंक में बस आज मैंने प्रैंक हर हाल में करने ही करने, ठीक है। भाई ने भी आपके भाई ने आटा फटा पीस लिए, थक थक गया, ठीक है। ये बस करते हैं गाड़ी गाड़ी जाते हैं, शावर शावर लेते हैं, लेके देखते कैसे बाकी भी मौसम। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत हो गया, खूबसूरत मौसम है, ठीक है। और अभी बस गाड़ी आती है, देखते हैं। सारे में जो है ना बहुत दर्द हो रही है, इस साइड में जो है ना खराब है। मौसम चेक करी, बाकी उनका भाई तैयार शोर हो गया, आगे शोर शोर ले लिया। हाँ प्रैंक का जो सीन है ना मैं जी उसको कॉल करूँ वैसे को कॉल उठाना, अगर उससे मेरा कोई भी रब्ता होता है ना जरा सा भी रब्ता होते हैं तो आई एम ट्राइंग नहीं पैसे मैं आज के दिन भी उसके साथ प्रैंक कर ही दूँ। हर एक चीज़ सेटलमेंट हुई हुई है बट अब उसके रबते की देर है कि उससे रब्ता हो गया प्रैंक करते हैं। बाकी घर जा रहे दुकान में जा रही अब्बा जी को देखते हैं क्या करें, ठीक है। बाकी वो तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो सामने नज़र आ रही है, वो सामने नमाज पढ़ रही है। चले दुकान में जाके मिलते हैं बाबा से। आप ही की तरफ आई और ये देखा गए हमारा ही ब्लॉग देख रहे हैं बैठ के, हमारा ही ये अभी ब्लॉग अपलोड हुआ है, बैठा देखा जा रहा है। हमें हमारी गलतियां बताई जा रही है बैठ के, ये सेठ साहब जो है ना शेख अवैस, ठीक है, ये हमें हमारी गलतियां बता रहे हैं जी। आप ब्लॉग में क्या गलतियाँ करते हैं जी भाई जी। और अच्छा टाइटल तो पढ़े ना क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आई पाई आईफोन 13, अब ब्लॉगिंग गेम स्ट्रांग होगी। और वो तो आपके भाई ने और ऐसी बात है कि नहीं होती अब ना चलाना हो तो देखिए जी फाइटिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे नकली जो हम बचपन में लेते थे 150-150 रुपए की। तो बस अभी मामा के लिए लेकर आने हैं बादाम। दोहा की जी कल दोहा ने बर्गर खाया है, दोहा को लूज मोशन लग गई है, वॉमिटिंग लग गई है। अभी इसको लेके जाते हैं, जाके इसको मलिश वालों पिलाते हैं, वो जूस वूस पिलाते हैं, सी एच इसके लाते हैं। और मामा के लिए क्या नाम है बादाम लेते हैं, इसको पिलाते हैं कोई जूस, ठीक है, जूस पिलाते हैं इसको। चलते हैं फिर आपसे अब रेम्बो जाके मुलाकात होती है और बेचारी को जूस वूस पिलाता हूँ। अभी ये ना हो हम बोले आप कौन हो, अभी वो साहब है भाटा है नहीं तो पहले मंगनी आ गई। अल्लाह की कसम ले आना बच्चे सोचेंगे बच्चे पैसे बच्चे तो लेकर आएंगे। सही है तो मेरा 400 रुपया दे पहले, वो तो दे 400 दे पहले, 400 दे, 400 दे मेरा। अभी नहीं है आप वादा झूठ, ये जी देखिए जी रोज झूठ बोलता है, ठीक है शेख है। 100 रुपए दे सकते हो अभी, दे 100 रुपया अभी नहीं है, अल्लाह ही मुझे 400 रुपए इससे देना है भाई। जिस दिन तू 400 देगा उस दिन मेरा वादा मैं तुझे स्विमिंग पूल लेके जाऊंगा, सही है, ठीक है ना। बस बात खत्म,
कोई नहीं, हेलो स्विमिंग पूल भाई, स्विमिंग पूल वाला वादा तेरे साथ, स्विमिंग पूल तैरते रहेंगे। चल निकल, फिर मैं स्विमिंग पूल नहीं लेके जाऊंगा, फिर मेरा 400 रुपए तो भी देगा मौके पे, फिर बात है ना, मैं देख 400 देगा तो मैं स्विमिंग पूल लेके जाऊंगा। हाँ ड्रामे लगा रहा, चल जूस तो इससे पीना नहीं है, हमने कहा फ्री ले लेते। चलो जी चले, चलो तुम्हारे लिए मैं प्लीज। हमने अपनी बच्ची को माशाल्लाह से स्लाइस की जूस भी पिला दी, वो भी एक नहीं से दो दो पिए, ठीक है। बस आप लोग इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन से आमीन। अब तबीयत कैसे जूस पीने के बाद, ऊंचा बोलो, ठीक है। और मजे की बात है, मैं इसके लिए एक लेकर सब दोनों पी लिए, और अब कहती है तबीयत ठीक नहीं है, बाकी अल्लाह ताला इसको सेहत दे, ठीक है। आमीन से आमीन, इसके लिए बस उसी दुआ करनी है, ठीक है। कल बिचारी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इससे कोई कितनी दफ़ा वॉमिटिंग की है, 20 से 30 बार वॉमिटिंग की है इसने, है ना, 20 से 30 बार वॉमिटिंग करके पहले इसकी सेहत में और से इसकी ख़राब हो गई। बस इसके लिए अपन उसी दुआ करें, ठीक है। और बस अभी फिर वैसे सब गोलियाँ करवा रही है, ठीक है, इसको अपनी इलाज करते हैं। तो बाकी ये है कि घर जाते हैं, घर जाके फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। Two hours later. लो जी किदा वालो, अब फिर कैसे आ गए थे और आप जाके सो गया एज यूजल, जैसे वो सो जाते फिर भी बस वो शुक्र उठे थे, खाना खाने का मूड नहीं है, नजर करा खाने का, तो हमने बस कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और ब्लॉग को करते हैं। एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, सीने लगे थे, चिक्की की जाली शाली टूट गई थी, और मतलब सब गाँव चले गए तलाक फोतगी में, वो कल परसों आएंगे, और कल जुम्मे का दिन शायद आई एम ट्राइंग में बस कि मैं वासी के साथ प्रैंक कर सकूँ, अगर हो गया देन आई विल, अगर ना हुआ तो वैसे कुछ नहीं है, कभी मौका मिला तो कर लेंगे। तो बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा, लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो, वरना भाई आपका भाई काला डाला भेज देगा आपके घर, फिर ये ना कहना कि भाई अपने काला डाला भेज दे काला डाला, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ओके ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।